साल हो गया. हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ माई बर्थडे, विश मी, और मुझे ढेर सारी विशेज़ दीजिए आप लोग. और हम लोग थोड़ा सा संदीप मंदीप. हाँ, क्या हुआ मंदीप? हाँ बाबा बोलो. ओप्स, सॉरी, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. फटी क्या होती नहीं यहाँ बोल की विशेष लोग करती हैं. मम्मी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. अच्छा मंदीप, एक बात बता, आज मेरा जन्मदिन है, आज क्या बनाएगी तू मेरे लिए? लॉकडाउन में क्या बनाऊंगी, दाल रोटी बना दूंगी. सिर्फ दाल रोटी? आपको और क्या बनाऊं, कुछ होना भी तो चाहिए ना, मैदा है ना सूजी है. चलो भैया. मम्मी आप बताओ, आपने मेरे लिए क्या बनाया आज? मैंने आपके लिए छोले बनाए, दही बड़े बनाए, और क्या राइस बनाए, और क्या बनाया? बस 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 इतना था. बर्फी भी बनानी है, नहीं बेसन वाली. कौन सी बर्फी? बेसन की बर्फी. केक का नाम कोई नहीं ले रहा. यहाँ अंदर से कुछ आवाज आ रही है, पता नहीं शायद कुछ बन रहा है, चल के देखते हैं. मंदीप क्या बना रही तुम्हें लिए? कुछ नहीं. तो फिर ये कद्दूकस क्यों कर रही हो गोभी को? मैं बना रही हूँ आपके लिए मोमोज. मोमोज मोमोज खाएंगे. हेलो मंदीप, क्या हुआ, रो क्यों रही है? प्याज खाता है. जेम्स खाओ, जेम्स खिला दो. जेम्स जेम्स खाओ. पूरे खा लो, पूरे जेम्स खिला दिया. अब नहीं होते, रोते नहीं. मेरा काजल खराब हो जाएगा. इनका काजल खराब हो जाएगा. तो ये मोमोज हैं. अच्छा मोमोज का मसाला, मुझे लगा किस एंगल से मोमोज लगेगा. और भाई लोग आप सब कैसे हैं? आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं ना, जरूर हमारे वीडियोस को देखिए. और इस चैनल में और भी बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस का जरूर देखें, उनको लाइक करें, उन पर कमेंट करें, उनको शेयर करें, ठीक है? और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें. सो गाइस, अभी 5 बज रहे हैं और अभी तक तो ना मोमोज की खुशबू आ रही है ना किसी और चीज़ की ना. तो चलिए जल के देखते हैं किचन में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अपडेट्स लेते हैं जाके कि 5 बजने को आया और अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. मंदीप ये क्या बना रही हो? ये जो आपने कहा था मुझे अच्छा लगता है खाना. मैंने क्या कहा था खाने के लिए? ये आलू है, आलू को ऐसे मैश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बना रही हूँ मुंबई स्टाइल के वड़ा पाव. यस वड़ा पाव. तो मतलब आज दो चीजें खाने को मिलेंगी. पहली चीज है मोमोज, समझ तो गए होंगे आप लोग. दूसरी चीज खाने को मिलेगी मुंबईया स्टाइल वड़ा पाव, मेरा बहुत फेवरेट है. मैं अभी लास्ट टाइम जब मुंबई गया था तो मैंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव. हेलो फ्रेंड्स, इनको लगता है कि मुझे केक बनाना नहीं आता, जो कि मैंने बोल भी रखा है. आज मैं इनके लिए सरप्राइज है, आटे का केक. अच्छा बनेगा तो रेसिपी भी बताएंगे. आटे का केक. हाँ
कि डोरिटोस कहीं नहीं भागे जा रहे। बताओ कपड़े टांग रहे, मेरी हेल्प कर रहे हो? और बर्थडे वाला दिन काम कर रहे, सो स्वीट ऑफ यू। देख लो ना, बर्थडे वाला दिन भी काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। प्रेग्नेंट लग रहे हो। गाइस आप लोग को तो पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में बाहर कुछ खाने को मिलता नहीं है, ना केक्स है, ना कुछ खा सकते हैं बाहर जाके, ना कुछ मिल रहा है, ना ना होटल्स हैं, रेस्टोरेंट सब बंद है, कुछ नहीं है। तो जब से पता लगा है ना कि मोमोज एंड वड़ा पाव बन रहा है, तो मेरा तो कंट्रोल करने का बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बन रहा है। कुछ तड़तड़ाहट, सड़सड़ाहट, फड़फड़ाहट की आवाज़ें आ रही है किचन से। चलिए ये क्या बना रही हो तुम? बंडे, आलू बंडे। आलू बंडे क्यों? मैंने तुमने बड़ा बड़ा पाव कहा था। आई मीन वही बड़ा पाव के लिए तो बनाने पड़ते हैं ना कुछ। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे वो करने तो। अरे वाह यार, उसमें क्या है, ये क्या चीज है? वो कुछ नहीं, वो मोमोज के लिए पानी रखा है। अबे मोमोज के लिए पानी तो ठीक है, तो ये क्यों रखा हुआ उसके ऊपर? घंटा था रखे हैं तो आपको है। पता नहीं क्या है यार, मोमोज का पानी ऐसे गर्म होता है। ये देखिए, हाँ वड़ा पाव का वड़ा, यम्मी। अति उत्तम। ये क्या चीज है? अरे बताया तो था। अच्छा मोमोज का मसाला। यप। ये बड़े साइड सो जाओ, बड़े 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 यार। वो पिज़्ज़ा के लिए बनाया हुआ है। वो पिज़्ज़ा का है? आई मीन पिज़्ज़ा देखो मुझे बनाना नहीं आता, बट हाँ आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप पिज़्ज़ा बनाएंगी मेरे लिए? एक्चुअली पिज़्ज़ा नहीं, बट मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी, और क्यों पिज़्ज़ा मुझे बनाना नहीं आता। आपके पास पिज्जा बेस है? नहीं। आपके पास पिज्जा सॉस है? मेरे पास पति है, मेरे पास माँ है। तो पति को तो मोज़रेला चीज़ बना के पिज्जे के ऊपर डालोगी? बनाने दीजिए, पता नहीं क्या बन रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं हम। आलू बंडे हैं ये, इसको हमारे यहाँ आलू बंडे कहा जाता है, और इन्हीं आलू बंडों को बॉम्बे में एक पाव के अंदर फिट करके बढ़िया मस्ती हरी और मीठे चटनी लगा के ना इसको बना देते हैं वड़ा पाव। आप लोगों ने खाए हैं? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट ईयर जब मुंबई गए थे हम लोग, तो वो कहाँ गए थे? वो कोई था पहले, गर्ल्स कॉलेज था। I don't know, कौन सी एरिया में था? बस एक सबको पता होगा बॉम्बे के लोगों को, परेल में था, पनवेल में था, कहाँ था वो जगह नाम। लेकिन लास्ट टाइम हमको एक बहुत अच्छा एक टैक्सी ड्राइवर मिला था, उनको हमने कहा कि भाईजान हम लोग को वो खाना है क्या, वड़ा पाव। तो वो हमको ओल्ड मुंबई एकदम, आई मीन जहाँ पे वो गेटवे ऑफ इंडिया है समवेयर, वहाँ पे कोई कॉलेज है, उस कॉलेज के पीछे वाले गेट में वो हमको लेके गए, वहाँ पर उन्होंने वड़ा पाव दो वड़ा पाव खाने में, यम्मीस्ट वड़ा पाव, यम्मीस्ट। क्या बॉम्बे में तो हर जगह यम्मी मिलते हैं। फिर हम लोग मंदिर कौन से बीच गए थे? जुहू बीच। यस जुहू बीच, और वो जो अमिताभ बच्चन का वो क्या था जहाँ पर वो ये शूटिंग हुई थी, वो मीठा खाया हम लोगों ने, एप्पल पाई। या एक हम लोग बहुत पुरानी बेकरी में गए थे, मुझे एक्चुअली सब नाम भूल गया मेरा उसका, मैं भूल चुका हूँ उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रही है बिकॉज बॉम्बे काफ़ी टाइम पहले गया, मुझे 7-8 महीने हो गए हैं। या सो तो हम लोगों ने वहाँ वो भाईजान मिले, भाईजान ने हमको वहाँ पर वड़ा पाव खिलाया। एंड बॉम्बे में फिर हम लोग मरीन ड्राइव पे हम लोगों ने कुछ फूड फेस्टिवल टाइप का हो रहा था वहाँ के लोकल्स का, एंड उन्होंने यम्मीस्ट खाना बनाया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं होप करता हूँ कि मनदीप जो अंदर बना रही है वो यम्मी होगा। वड़ा पाव मेरे फेवरेट्स हैं और मोमोज मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे नहीं पता वो कढ़ाई के अंदर क्या बना रही है, आई डोंट नो।
खूब उसमें पता नहीं क्या है, मोमोज है क्या है, आई डोंट नो, पिज्ज़ा खाएंगे, बाकी फिर शाम को देखते हैं अपडेट। शाम को जब पार्टी करने का टाइम आएगा तो फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तब तक के लिए मेरी पसंद को मैं पसंद हूं, बस इसी बात का घमंड है।